अजय कुमार और संजय मिक्स टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ मशीनों में आरपीएम और बीपीएम में क्या फर्क होता है। कुछ मशीनों पर आरपीएम लिखा होता है, कुछ मशीन पर बीपीएम लिखा होता है। मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी लोगों का पूछना है कि इनमें फर्क क्या होता है, इनको हम कैसे पहचानें, कैसे इनको हम कंपेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आरपीएम और बीपीएम को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरपीएम का मतलब तो आप जानते हैं, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। इससे आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि राउंड का मतलब होता है राउंड लगाना, किसी भी मशीन का राउंड लगाना। और बीपीएम का मतलब होता है ब्लोज पर मिनट। इसका मतलब भी आप समझते हैं कि ब्लोज का मीन्स होता है चलना, तो इससे राउंड लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि किन मशीनों पर आरपीएम लिखा होता है और कौन सी मशीनों पर बीपीएम लिखा होता है और क्यों लिखा होता है। मैं इसका रीजन भी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए आप मशीनों को देखकर समझिए कि जो मशीनें राउंड लगाती हैं यानी घूमकर अपना काम करती हैं, उन मशीनों को हम आरपीएम से कनेक्ट करते हैं यानी आरपीएम के द्वारा जोड़ते हैं। और जो मशीनें घूमती नहीं है, स्ट्राइक के द्वारा काम करती हैं, जैसे ये हैमर हो गया, ये भी हैमर है, ये जो मशीन है ये घूमती नहीं है, ये स्ट्राइक करती है यानी ठोकर के माध्यम से, ठोकर विधि से काम करती है, इनको हम बीपीएम में जानते हैं। देखिए आप जैसे इधर लिखा हुआ है, इधर आप जूम करके दिखाइए, यह एक हैमर मशीन है और इस पर लिखा हुआ है 1400 BPM। फिर देखिए आप आरपीएम नहीं लिखा है, इस पर लिखा है बीपीएम। तो ये जो हैमर मशीनें हैं इनको हम बीपीएम में उसका जो रेशो है निकालते हैं। और इनको देखिए, ये मशीन राउंड लगाने वाली है, ये सब घूमने वाली मशीन है, इसको भी आप देख लीजिए, यह भी एक राउंड लगाकर काम करने वाली आपका ग्राइंडर मशीन है। और इसको भी देख लीजिए, यह भी एक ड्रिल मशीन है जो कि राउंड लगाने की थ्योरी पर ही काम करती है। ये मशीनें जब राउंड लगाएंगी तभी इनसे हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए, जरा इधर जूम करके दिखाएं, इसमें भी इसमें लिखा हुआ है इस मशीन का, देखिए राउंड पर मिनट रेटेड स्पीड राउंड पर मिनट 13000। तो इसको हम कहाँ डायमेंशन में क्या रखा जाता है इसके लिए, आरपीएम। अब आप देख लीजिए, यह एक ड्रिल मशीन है तो इसमें भी लिखा हुआ है 3000 RPM यानी 3000 राउंड पर मिनट, इसको भी हम आरपीएम में जानते हैं। और यह भी एक राउंड लगाने वाली आपकी कटिंग मशीन है, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है नो लोड स्पीड 13300 RPM यानी राउंड पर मिनट। तो जो मशीन घूमती है यानी जो राउंड लगाती है, उन मशीनों को हम आरपीएम में जानते हैं, उनका डायमेंशन में आरपीएम लिखा होता है। और जो मशीन आपकी राउंड नहीं लगाती है, जैसे हैमर मशीन हो गई या और कोई भी मशीन है जो अपने स्ट्राइक के माध्यम से काम करती है और राउंड नहीं लगाती है, उनको हम बीपीएम में जानते हैं, उनका जो रेशो आता है वो बीपीएम में डायमेंशन में लिखा होता है। मैं आपको अभी एक ड्राइंग बना के भी समझाता हूँ। देखिए यह हैमर मशीन की ड्राइंग है और इसको हम राउंड स्पेस छोड़ दिया है, मिनट लिख दिया है, इसका मतलब ये है इसको हम बीपीएम में करते हैं, इसका मतलब ये दिया हुआ है ब्लोज पर मिनट, यानी हम हैमर को आरपीएम में ना कन्वर्ट, आरपीएम में नहीं जानते हैं, इसको हम बीपीएम में समझते हैं इसकी डायमेंशन। मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि बीपीएम और आरपीएम, आरपीएम तो आपने सभी मशीनों पर लिखे देखे होंगे, लेकिन बीपीएम कई मशीनों पर लिखे देखे हैं लेकिन आप उसका मतलब नहीं जानते हैं, और ना ही इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने इसका वीडियो बना के डाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके कमेंट भी आ रहे हैं और इसको समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग भी तैयार की है जिसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो बीपीएम होता है, वैसे तो मेडिकल भाषा में इसका अर्थ होता है बीट्स पर मिनट, यानी हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हम धड़कन को नापने के लिए बीपीएम का उपयोग करते हैं। लेकिन मशीन में भी हम बीपीएम का रेशो डायमेंशन में लिखते हैं, तो इधर होता है बिलो पर मिनट, यानी हमारी मशीन एक मिनट में कितनी बार चलती है यानी कितनी बार स्ट्राइक करती है। तो आप समझिए, देखिए यहाँ मैंने पिस्टन बनाई है, तो ये आपकी यहाँ पर आपकी पिस्टन हो गई है और ये स्ट्राइकर है, ये बीच में एक स्ट्राइकर होता है इस तरह से गोल जो कि स्ट्राइक करता है, मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ। ये भी स्ट्राइकर टू है, यहाँ भी एक छोटा सा स्ट्राइकर लगा होता है और वो स्ट्राइक करता है हमारी इस चीजर को, यानी हमने ये इसमें चीजर या कोई भी चीज़ लगा दी है इस तरह से,
तो वो इसको स्ट्राइक करता है और एक हमारा बेग पैदा होता है और उससे हमारी खुदाई होती है। तो मैं बताता हूँ, देखिए आप जैसे मान लीजिए पिस्टन मैंने बनाई हुई है, इधर से ये पिस्टन है, यहाँ से पिस्टन चलती है, तो इधर ये बीच में जो स्ट्राइकर होता है ये वाला, ये पिस्टन हमारी इसको ठोकर लगाती है, ये वाली पिस्टन इस पर ठोकर लगाती है, और ये वाले हमारे जो स्ट्राइकर है वो इस वाले स्ट्राइकर में ठोकर लगाता है। जैसे ठोकर लगाता है तो ये जो स्ट्राइकर है, ये हमारा जो रॉड है, चीजल है, जो जमीन को खुदाई कर रहा है, जो जमीन में खोदता है उसमें स्ट्राइक करता है, यानी इसमें एक बेग पैदा होता है और उस बेग के द्वारा वो खुदाई करता है। तो हम इसीलिए इसको बीपीएम में नापते हैं क्योंकि ये मशीन राउंड नहीं लगाती है। देखिए इसमें राउंड लगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, जैसे कि मैंने इधर दिखाया है, ये मशीन जो राउंड लगाती है, ये सभी मशीनें राउंड लगाने वाली है, इसको हम नापते हैं उनको आरपीएम में नापते हैं, लेकिन इसका रेशो जो आता है वो बीपीएम में आता है, यानी चलना, यह चलता है, इसके अंदर जो स्ट्राइकर है वो चलता है, यानी यहाँ से पिस्टन ने इसको धक्का मारा, इसने स्ट्राइकर को धक्का मारा, इससे हमारी रॉड को धक्का लग के एक बेग पैदा हो जाता है जिससे हम उसको खुदाई पैदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ड्राइंग के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि पिस्टन हमारे स्ट्राइकर को फोर्स करता है, स्ट्राइकर सेकंड स्ट्राइकर को फोर्स करता है जिससे मशीन हमारी खुदाई होती है, लेकिन यह मशीन घूमती नहीं है, इसी तरह से राउंड नहीं लगाती है, इसलिए इसको हम बीपीएम में नापते हैं, और जो भी मशीन राउंड लगाती है उसको हम आरपीएम से समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आरपीएम और बीपीएम दोनों के बीच जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, किसी नए टॉपिक के साथ।